नीरज जी मोकाशी अपन आज विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते गुंडू गायकरांचं स्वागत करायचं. खतीब मिस्टर डेंजर ऑलराउंडर कहते इनको राहुल खतीब रेट के ऊपर. आने वाले प्रो कबड्डी अगले सीजन में ये फ्यूचर स्टार होने वाले हैं. स्टेट लेवल चैंपियन के हर टीम में जो युवा खिलाड़ी है जो अब तक प्रो कबड्डी खेले नहीं है लेकिन आने वाले कल के होने वाले अगले साल होने वाले प्रो कबड्डी में ये चेहरे हर फेस आप देख सकते हो. तो जारी रही हमारे साथ जुड़े हुए जिजाऊ ट्रॉफी 2022 में पार्टी की आज इस बार रेट क्या पार्टी पॉइंट लेके आएगा. पकड़ के लिए जबरदस्त मात्र रेड पॉइंट मशीन ला मात्र मैं विनंती करतो खरीवली गाँव के सुपुत्र खरीवली गाँव के माजी उपसरपंच गणेश जी अधिकारी अपन आज की अपन इस मंच कड़े आए गणेश जी अधिकारी सर. वन साइड मैच खेलता है नगरकर महाराष्ट्र का दबदबा है या टीम सा पुनः एक दा दाखुन देता है अवघ्या महाराष्ट्र ला संपूर्ण भारत देश ला जगाला कि आम्ही आहोत हुकूमत गाजवणारे राज्यस्तरीय 2022 चा किताब पटकवणारे गोल्डन रेड का होईना परंतु फायनल घेणारे हेच ते नगरकर. आज मानसिक करतो अर्जुन जी तांडल शाखा अध्यक्ष जिजाऊ संघटना आपणास विनंती करतो उपसरपंच खरीवली गणेश जी अधिकारी सरांचं स्वागत करायचं आहे. या स्पर्धेसाठी ज्यांचा मोलाचं सहकार्य आहे जे आपली मॅट पाहू शकता आहे यांच्या माध्यमातून खरीवली गावाला खरीवली टीमला मिळाली आणि ती मॅट आपल्या समोर आहे. मुंबई के रजत सिंह ने पॉइंट लेके आया इस बार रेडर है रेड के ऊपर नगर टीम का मिस्टर किट नंबर 8 चिन्मय गुरव. अच्छा फिटनेस वाला ये देवीता चक्का वापस गए. आया कौन आकाश गायकवाड़. आकाश गायकवाड़ रेड पॉइंट मशीन है लेकिन चल नहीं रही है. रेड पॉइंट लाने का डिपार्टमेंट बहुत वीक बन चुका है मुंबई वालों का. इसके वजह से नगर वालों ने मैच के ऊपर सिकंजा कस लिया है. भारी बक्कबले के साथ इस मैच के ऊपर वर्चस्व लेते हुए नगर टीम देखो ये टैकल पॉइंट सेंटर में टैकल लेफ्ट कॉर्नर में टैकल राइट कॉर्नर में टैकल जगह जगह पे टैकल ही टैकल. मुंबई वाले परेशान बेहाल इस मैच में मुंबई महानगर पालिका. यानी या खेला या मैदानी खेला मध्ये आपलं नाव रुपलं स्वामी कॉलेज स्वामी हायस्कूल असेल याच्यामधली मुलं पूर्ण महाराष्ट्र जगभरात जणी आपले धडे गिरवायला लावले असे आदरणीय प्राध्यापक राकेश जी ठाकरे सर आपणास मी विनंती करतो आपण मंचाकडे यायचं. आदरणीय व्यक्तिमत्व गुरुतल्य व्यक्तिमत्व ज्यांनी आम्हाला कबड्डी खेळायला शिकवली ज्यांनी आम्हाला खो खो खेळायला शिकवली असे आदरणीय व्यक्तिमत्व राकेश जी ठाकरे सर मी विनंती करतो नितीन जी गायकवाड सरांना की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत करायचं. आदरणीय ठाकरे सर इंद्रजीत पाटील सर चिखले गावचे सुपुत्र कबड्डीपट्टू आदरणीय व्यक्तिमत्व आपणास विनंती असेल की आपण मंचाकडे यायचे. आणि तिसरा पुकार पुन्हा एकदा आयएसपीएल मुंबई विरुद्ध सेंट्रल बँक आपण तयार राहायचे रेडी नाव. उद्योग समूह संजय घुडावत नगर उद्योग समूह आघाडीवर मजबूत आघाडी हा पहिला सामना या स्पर्धेतील की एवढ्या वन साइड मात्र खेळत आहे. लखनजी जिजाऊ सदस्य लखनजी आपण आज विनंती करतो शाखा अध्यक्ष जिजाऊ संस्था लखनजींना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते इंद्रजीत पाटील सरांचं पंच पालघर जिल्हा सुपुत्र चिखले
शुभस्थे स्वागत कराए और पार्टी की यहाँ पे रेट देखा जाए तो राइट कॉर्नर में रेड है बतलाइन के पास पार्टी आएंगे या नहीं आएंगे और यहाँ पे टैकल झुंड ने किया शिकार शेर को डुबकी नहीं चली मुंबई महानगर पालिका की बीएमसी टीम बेहाल हो चुकी है परेशान हो चुकी है क्योंकि नगर वालों का डिफेंस इतना सख्त है कोई रेडर चला ही नहीं आकाश गायकवाड़ पार्टी कोई रेडर का रोल निभा नहीं पाया इसकी वजह से इस मैच में पीछे और आया देखो रेड पर मशीन ये आया फिर से एक नया शिकार करने वाला रेडर नगर उद्योग समूह का टीम का नाम है मिस्टर डेंजर रेडर कीप नंबर 8 चिन्मय गुरव आता मतलब थोड़ा मुंबई महानगर पालिका 13 फक्त पॉइंट है तर तब्बल 46 पॉइंट वर पोहोचलेली आहे बोनस प्लस पॉइंट आता पुढे घेऊन येतो जर्सी क्रमांक 3 मुंबई टीम कडून नाव आहे नाव रजत सिंह अभी आते रेड पे आया है रेडर नगर टीम का नाम है रेडर सुपर टैकल ऑन पे आया है नगर टीम का कीट नंबर 11 राहुल धनावड़े एंटी रेडर था जनता बरोबर आम्ही हाताला हात लावून कबड्डी खेळलो आम्हाला ज्याने शिकवले असे किरण जी अधिकारी हरिवली गावचे सुपुत्र वाडा गावची वाडा तालुक्याची आन बान शान आपणास मी विनंती करतो आपण मंचाकडे यायचं आणि त्याचबरोबर मी विक्रांतजींना विनंती करतो आपण किरणजी यांचे स्वागत आपल्या शुभ हस्ते करायचं आमचे मोठी बंधू किरणजी अधिकारी ज्यांच्या खांद्याला खांदा लावून हाताला पकडून ज्यांच्याकडून आम्ही कबड्डी शिकलो आने वाले समय में बहुत बड़ा खिलाड़ी बने करते हो अपन अपने दो प्लस दो दो पॉइंट फिर से दिया लोन वर लोन टी फॉर टैट वन साइड मैच ओनली उद्योग समूह नगर पंद्रह आणि 49 असा एक मिनट या मैच मध्ये बीएमसी टीमचं डोकं वर निघलं असेल जास्त संधी मिळालीच नाही रेड मध्ये शेवटच्या मोमेंटेबल क्षणामध्ये रेड पॉइंट आणतायत परंतु वेळ आणि खेळ हा खूप महत्त्वाचा कबड्डीमध्ये खेळा खेळ असतो कुणाचाच मेळ बसत नसतो जे काही ठरवत असतो येणारा वेळ ठरवतो हा कबड्डीचा खेळ पूर्ण विश्वात अनिश्चिततेचाच मानला जातो या काय खेळे वेळ आपल्याला खेळ करावाच लागेल वेळ कुणासाठी थांबणारच नाही ना आपल्यासाठी ना विरोधी टीमसाठी आपल्याला खेळ करत रावच लागेल तेव्हा कुठे अस्तित्व हे तपासलं जाईल एक मिनिट बाकी रेफरी कॉल लास्ट मिनिट में क्या किरदार निभाएंगे असं म्हणतात ना जिंकावं अभिमानावर तर हरावत स्वाभिमानावर जीत ऐसी हो अभिमान लगे हार वैसी हो शान रहे शान ठेवून जाईल का रेडर बघा जबरदस्त या ठिकाणी पकड खतीब ने यहाँ पे डाइव लगाई और एंगल होल्ड किया कोई डिपार्टमेंट चला ही नहीं इस मैच में बीएमसी टीम का ना रेड इतनी ज्यादा चली ना डिफेंस चला ज्यादा ही ज्यादा डिफेंस चलना चाहिए था वो चला ही नहीं कोई कॉर्नर नहीं चली कोई टर्न नहीं चला खामोश रखा नगर उद्योग समूह टीम ने और वन साइड मैच खींच लिया 50-16 पहला सामना है तो एवढ्या ताकतीनं एक तरफी होतोय उद्योग समूहला मात्र ग्रँड सल्यूट असेल नगर टीमला और विजेता कोण संजय घोडावत उद्योग समूह नगर अभिनंदन जोरदार टाळ्या नगर टीम साठी वाजवायचे आहेत आणि तेवढ्या जोरदार टाळ्या बीएमसी मुंबई निर्णय पुकार आयएसपीएल मुंबई विरुद्ध सेंट्रल बँक कम ऑन डीजे जिजाऊ चषक मध्ये सर्व मान्यवरांचं प्रेक्षकांचं मी समालोचक सुरेश पाटील हार्दिक स्वागत करतोय वेलकम डीजे